सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंकरप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे, पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। Yes, I'm talking about Bahubali और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। So guys, सीखने लायक ये है, if you are committed towards anything, you will be successful one day. अक्सर हमारे समाज में जो गोरा है उसे खूबसूरत मान लिया जाता है और इसी वजह से हमारे देश में फेयरनेस क्रीम्स बहुत ज्यादा बिकती हैं, जो कि गोरा करती हैं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हमारे गोरापन पाने की चाहत का फायदा उठाकर वो करोड़ों रुपया कमा जरूर रही है, जिसमें उनका साथ दे रही हैं बहुत सारी सेलेब्रिटीज। लेकिन हर सेलेब्रिटी एक जैसी नहीं होती। उन्हीं में से एक है प्रभास, जिन्होंने 18 करोड़ रुपयों का फेयरनेस क्रीम का एक ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि खूबसूरती का गोरेपन से कोई लेना देना नहीं है। खूबसूरती एक्चुअली इंसान के नेचर से होती है। अगर उसका दिल खूबसूरत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरा है या काला। गाइस, आपको डार्लिंग प्रभास की ये बात कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।